वर्ल्ड बिगेस्ट ठुकाई इनू कहने ने बिल्ली डार थले आई अफगानिस्तान तो वड़ गया यार अफगानियों का दिल टूट गया टीवी भी टूट गया 104 रन से हार गए हैं यार मेरे अफगानी दोस्तों नाराज नहीं है आपके पास अभी एक मौका है जो लोग समझते हैं कि अफगानिस्तान बाहर हो गया नहीं ऐसा कुछ नहीं है हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के नाम वर्ल्ड कप में वर्ल्ड रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज ने जो आज काम सरंजाम दिया है नाजरीन आपने ऐसी क्रिकेट कभी नहीं देखी होगी वो टीम जो लास्ट वर्ल्ड कप में बेचारी आई ही नहीं जिसको हम मिस कर रहे थे वो टीम वेस्ट इंडीज जो कि जानी जाती है शुगल मेला फन मस्ती मजा हर तरह से वेस्ट इंडीज के बगैर कोई वर्ल्ड कप कोई क्रिकेट टूर्नामेंट मजा नहीं देता नाजिन मैं बात कर रहा हूं आज के वर्ल्ड कप मैच की वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के दरमियान जब मैच होता है पहले 6 ओवर में वेस्ट इंडीज ने इतना धोया कोई धोबी अपना कपड़ा नहीं इतना धोता कुत्तों की तरह मारा इतना मारा कि रोने लग गए 6 ओवर में 92 रन्स राशिद को भी नहीं छोड़ा किसी को नहीं छोड़ा इतना मजा आया मैच का। मैं आपको एक बात बता दूं वेस्ट इंडीज काली आंधी है काली आंधी वापस आ चुकी है काली आंधी छा गई है काली आंधी अंधी मचा देगी जब ये काली आंधी चलती है तो सबको ले उठती है काली आंधी चल गई मेरा गला बैठ गया है मुझे बड़ा मजा आ रहा है वेस्ट इंडीज को ऐसे खेलते हुए अल्लाह का शुक्र है क्रिकेट में अभी जुनून बाकी है पाकिस्तान निकल गया लेकिन क्रिकेट में मजा वापस आ रहा है। जी हाँ अफगानियों का प्रोग्राम सही तरह से बढ़ा है भाई ना बॉलिंग ना बैटिंग ना फील्डिंग मिस फील्ड बॉलिंग 0 और बैटिंग उससे भी ज़्यादा 0 और काली आंधी ने किसी तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से इनको बिछाड़ा है बल्कि तोड़ा नहीं फोड़ा है पठान देखते रह गए ये काले हमारे साथ कर क्या रहे हैं इतनी मेहनत की थी सारा प्रोग्राम मार दिया। अच्छा नाज़रीन बात करेंगे अफगानियों की कि अफगानिस्तान वो टीम है जो अपने बलबोते पे आई है ऊपर इनको बोर्ड जो अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है मैंने सुना है कि वो इनको सपोर्ट नहीं करता वेस्ट इंडीज़ भी इस लिहाज से बहुत कमज़ोर टीम है इनको भी इनका मुल्क इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। अच्छा बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की कौन सोच रहा था कि वेस्ट इंडीज़ फाइनल में जा सकते हैं अभी भी आप लोग कहेंगे कहाँ फाइनल कहाँ वेस्ट इंडीज़ और मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ले जाएगा जैसे कालू ब्रैथवेट कहता हूँ ये गब्बर है ये यकीन करें ये 6-6, 7-7 फुट इनके कद है जब इसने 4 छक्के लगाए थे बेन स्टॉक को अगर यही बेन स्टॉक हमारे पाकिस्तान का होता या एशिया का होता इंडियन होता अफगानी होता यकीन करें उसकी क्रिकेट ख़त्म हो जानी थी। आज बेन स्टॉक बहुत बड़ा ऑलराउंडर है लेकिन इसी बेन स्टॉक को किस तरीके से किस बुरे तरीके से बिछाड़ा था किसने ब्रैथवेट ने तो इसी के साथ मैं आज आपको फाइनल बता दूं कि वेस्ट इंडीज फाइनल जीतेगी इंशाल्लाह। सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें शेयर का बटन भी दबा दीजिए। अफगानिस्तान इतने घटिया परफॉर्मेंस इतनी रेत की दीवार ये चलती है तो चल जाती है नहीं चलती तो ढेर हो जाती है काली आंधी बिछाड़ देगी सबको। नाज़रीन मेरी बात याद रखना वो टीम जो लास्ट वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी नहीं कर पाई खेल ही नहीं पाई वो आज सुपर 8 में फेवरेट हो गई है। अब मुझे लगता है सबसे पहले आगे सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज ही जाएगी। काली आंधी ने आज अफगानिस्तान के साथ जो किया है वो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। अफगानिस्तान को जो 219 का टारगेट मिला है अफगानिस्तान की टीम तू चल में आया यही लगा रखा था और राशिद चाहे गुलबदीन चाहे नबी कोई भी हो ना बैटिंग ना बॉलिंग 0 परफॉर्मेंस लेकिन इसी के साथ पूरन को जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है जितने पूरन ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है इतने लंबे उसने हिट्स की हैं कि कह दें कि जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आज ये व्लॉग बाहर बनाने का मकसद ये था कि आज लोगों को जैसे ये सूरज की रोशनी नेचुरल है ना
इसी तरह वेस्ट इंडीज की जो बैटिंग है ये नेचुरल है। वेस्ट इंडीज तरीक गवाह है, जब भी चलती है बहुत कमाल चलती है। वेस्ट इंडीज की मिसाल जिनसे भी आप सुनेंगे अपने बड़ों से वो यही कहेंगे कि ये जब भी आते थे छा जाते थे। जैसे कि क्रिस गेल को आप देख लें, जिसको गब्बर सिंह भी कहा जाता है। जी हाँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बुकी जिसे हम कहते हैं कि जुआ करवाते हैं, जो मैंने सुना है कि जब क्रिस गेल आता था तो बुकी जो है वो फैंसी जो बैट जो भी बोलते हैं वो नहीं देते थे, बुक बंद हो जाती थी जब गब्बर सिंह आता था। इसी के साथ डीजे ब्रावो जो है, रसल, केविन प्लॉट, ये बहुत सारे नाम है, समी जो चूसनी मतलब के होल्डर, ये सारे। और मुझसे पहले मैं जब छोटा था, जब मैं क्रिकेट मेरे पैदा होने से पहले की जो बात है, तब भी आपने देखा होगा कि वेस्ट इंडीजियन इनको काली आंधी कहा जाता था। और मुझे नज़र आ रहा है कि वर्ल्ड कप में ये गेम ले जाएंगे। आप लोग देखें पूरी क्रिकेट में फेवरेट टीम कौन सी है, और फाइनल मेरे हिसाब से उनके होम ग्राउंड पे होगा, तो जाहिर है वेस्ट इंडीज ही वर्ल्ड कप का फाइनल जीतेगी। आप लोगों की अपनी राय आप मुझे बता सकते हैं। और वेस्ट इंडीज से हमने एक चीज़ सीखी है कि जिनको बोर्ड क्रिकेट बोर्ड सपोर्ट ना करे, गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे, वो अफगानिस्तान हो या वेस्ट इंडीज हो, वो ऊपर आती है। एक हमारी पाकिस्तान टीम जिनके ऊपर लाखों लाखों डॉलर्स लगाए जाते हैं, 60-70 लाख इनकी तनख्वाहें हैं, लेकिन ये जीरो परफॉर्मेंस, आपस में ग्रुप बंदी है, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े हैं। इन लोगों को बंदा यकीन करो बांधे और ऊंट के पीछे बांध कर और ऊंट को शरारतन कोई पटाखे के साथ छोड़ दिया जाए और ये देखें कि ऊंट इनके साथ करता क्या है। जो इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के साथ किया है वह हम इनके साथ करें तो क्या ही बात है।